वेलकम टू द अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो आज पाकिस्तान की तारीख का एक और खास दिन आ चुका है, वो भी वोट डे। जैसा कि सबको पता है, सब लोग निकले हुए हैं भाई वोट देने। वोट किसको देना है? शमिया देखो इसकी, शमाना देखो इसका, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वोट किसको देना है हुरैन? वोट डालने जा रही है अरूज। फर्स्ट टाइम कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा डर रही है। उधर ऑब्वियसली लड़कों का सेक्शन अलग होगा और फीमेल्स सेपरेट होगी। अरूज का रिएक्शन तो मैं नोट नहीं कर पाऊंगा, क्या करें अब। आए मार डाला, मामा का रिएक्शन कैसे नोट करेंगे हम? नो, मामा का रिएक्शन नोट कर। हाँ उधर देखिए, उधर देखिए। हाँ वोट तो सारे अपने अपने मर्जी के देंगे, ऑब्वियसली सबका राइट है, और अपना वोट जाया नहीं करना। जो लोग घर में सोए हुए हैं, ना सो, जाके वोट दो, अपने हक की आवाज उठाओ। चाहे पाकिस्तान में हमारा कुछ फ्यूचर है या नहीं है, लेकिन हमारा जमीर मुतमईन होना चाहिए, हमने वोट देना है लाजमी। क्योंकि वैसे तो हमारे दानदी करके तो वोट जो डलने हैं फजूल के, उससे बेहतर ये नहीं होता कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल लो। छुट्टी का दिन भी है यार, पूरे पंजाब को छुट्टी है इस टाइम, और हम जाएंगे वोट देने। ओ मेरा आज हम अपना आप लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओ नो, दोपहर के बज रहे हैं 3। ये हमारा हो रहा है ब्रेकफास्ट का। ये चम्मच उठा लिया और ये चावल डाले थोड़े से। देख रही है बाप बेटी का प्यार? देख लो मेरी अम्मा मुझे चावल खिला रही है, वो भी गिरा गिरा के। नहीं छोड़ दो, खिलाओ। ऊंचिया चेक करो इसकी, साथ में रिएक्शन भी दे रही है। हम ऐसे करके खाने चलो छोड़ो। कौन सी चाइनीज आई हूं मैं? आपका आज फर्स्ट वोटिंग डे है, एवर जिंदगी यार, वोट ही अब बना है। जिंदगी का पहला वोट डाले जा रही है मिस सरूज। yes. तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, कंफ्यूजन हो रही है बहुत ज्यादा। क्यों? पेपर देने जा रही है, लग रहा है वाकई मुझे मैं एग्जाम देने जा रही हूँ। अभी मैं इतना एग्जाम पे नहीं घबराई, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होगा, कैसे देना वोट, क्या होगा। भागेगी भागेगी, चलते हैं भाई साहब जाके वोट शॉट देते हैं, जाके देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। अभी धांधली तो नहीं चल रही कहीं पे, जाके देखते हैं अभी। ब्लॉग बनाने देते हैं, अभी ब्लॉग इसको तो पकड़े ना। अच्छा मुझे ना इन्होंने चैलेंज दिया है कि वहाँ पे आप ब्लॉग नहीं बना सकते, तो मेरा मोबाइल मत यूज कीजिएगा, कोशिश करूंगा मेरा ब्लॉग बनाने की। मोबाइल पकड़ा गया तो भाई साहब कोई मसला नहीं, छोड़ेंगे पैसे लेके छोड़ेंगे, नहीं छोड़ देंगे। बहुत ही ज्यादा टफ वाला चैलेंज है, जो कि मुझे मेरे फादर इन लॉ ने भी दिया है और मिस अरूज ने भी दिया है कि हम वहाँ पे व्लॉग नहीं बना सकते। तुर्कमेन लैंग्वेज में कहते हैं खाइदे 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 मीन्स चलो। आपका आ गया, अपना भी साथ बनवाओ ना साथ। मेरा मजंगेट है ना, मेरा चेंज है, मुझे अकेले जाना है अंदर। हाँ तो और यहाँ पे मिल गई है पर्ची भाई, इन्होंने तो मना कर दिया मोबाइल अंदर नहीं लेके जा सकते यार, 15 प्रो मैक्स है, रिस्क भी नहीं ले सकता। कह रहा है किसी को भी पकड़ा दो आप, लेकिन अंदर नहीं जा सकते, SOP इजाजत नहीं देती। तो वापस जा रहा हूँ मोबाइल रखने के लिए घर। किसको वोट दे के आए हो आप? लो जी यहाँ पे हमने थम्सअप लगा दिया, क्या खराब हो गया? आपने सही से वोट नहीं किया, आप धांधली किया। मुझे पता चल गया आपने धांधली किया, मैंने सही से दिया। आपका कलर लाइट क्यों है? देखो मेरा डार्क है। किसको वोट दिया? मैंने किसको दिया पहले मुझे ये तो बताओ। मैं तो नहीं बताऊंगा, देखो लाइन। लो जी थम्सअप लगा दिया हमने, वोट अपने दिल को तसल्ली दे दी है, सुकून से वापस आ गए, ज्यादा टाइम नहीं लगा। कौन कौन लोग हैं जो घर पे बैठ के सिर्फ वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया? इसे क्या लगता है कि हमारे हल्के में से कौन जीतेगा? मुझे नवाज शरीफ नजर आ रहा है जीता हुआ। मतलब कि आपने नवाज शरीफ को वोट? नहीं मैंने पीडीए को दिया। अच्छा मुझे जहाँ तक चांस लग रहा है ना PMLN का ही लग रहा है, वो ये जो है ना हमारा राइट है, इसके लिए बोलना चाहिए, वोट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वोट वैसे भी डल ही जाने यार, आप नहीं भी डालोगे तो कोई और डाल देगा। तो अपना वोट दो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ, पाकिस्तान के लिए आवाज उठाओ। हमारा हो गया है नाश्ते का टाइम, वोट टूट गए और अब कर रहे हैं नाश्ता स्पून से। यहाँ पे हमारे पास है आलू पालक, चने, मक्खन और ब्लूमेंट। ये रही रुच, ये रहा मैं रोती शक्ल।
नवाज शरीफ जीतेगा। हर टाइम रोता रहता है। ललवी चैलेंज है क्या? 80 रुपीज के। क्या अगर नवाज शरीफ जीता आपने मुझे 80 रुपीज देने पड़ेंगे, और अगर इमरान खान जीता तो मैं आपको 80 रुपीज दूंगा। ये देखो पैसे हैं, पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 80 रुपए। चल ठीक है, डन हो गया। लो जी, अगर नवाशी जीता तो मैं 80 रुपीज दूंगा रियान को, और अगर पीटीए जीती तो रियान मुझे 80 रुपीज देगा। मैं जीतूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा गिर गया। आज तो सारे रोड सुनसान पड़े हैं, ना बंदा ना बंदे की जात, सारी गलियां सारी सड़कें खाली खाली। पार करो, कर लो कर लो कर लो, काटे की दुनिया। कटो माशाल्लाह, इसका क्या नाम? हुरैन। हुरैन, बाय बाय कर दो। बाय 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 कर दो। चाचा चाचा तो जी हम लोग आ गए हैं वापिस। आज का दिन बस बहुत मजे का गया। अरुष ने पहली बार वोट दिया। अरुष से पूछता हूँ कैसा रहा एक्सपीरियंस, तो कैसा लगा आपको वोट दे के? अच्छा लगा। कितना? मतलब सही था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, लेकिन ये था कंफ्यूज हो रही है मुझे वहाँ पे, ऐसी कंफ्यूजन जैसे मैं अभी एग्जाम देकर आया, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया, शायद फर्स्ट टाइम था। अच्छा एक्चुअली हुआ ये था, हम दोनों के जो सेक्शन थे ना वो सेपरेट सेपरेट हो गए थे। इनका था PP 170, मेरा था PP 173, लेकिन था NA 130 में ही सेक्शन, बट डिफरेंट डिफरेंट थे, तो जिस वजह से ना मुझे ना मैडम को छोड़ के आना पड़ा वहाँ पे दूसरे सेक्शन में, और मेरा दिल धक धक कर रहा था कि रूज का फर्स्ट, मैं कह यार नहीं कर लेगी खैर कोई। अच्छा मुझे ना अंदर जाते हुए इस तरह भी डर लगा कि आप मेरे साथ होनी, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, और मुझे पता ही नहीं कि चाचू को छोड़ के गया था मैं। चाचू बाहर थे ना, और सडन हाँ इनके चाचू मुझे मिल गए थे सडन ही, तो मैं पहले सोच रहा था यार मैं इनको ना वोट दे के घर छोड़ के उसके बाद जाऊंगा, लेकिन टाइम हो गया था तीन का, तो मैंने कहा नहीं यार इनको, मुझे ना सडन एक इनके चाचू दिखाई दे, तो मैंने इनको पकड़ा, मैंने कहा आप ना ऐसा करो रूज को लेके जाओ वोट डलवाने, तो मैं चल दूं इससे पहले मेरा वोट कैंसिल हो। वोट देना लाजमी है, वोट आपकी आवाज है, हक की आवाज के लिए लड़ना चाहिए, वो आपका राइट है। अच्छा पहली बात तो ये मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लेके जा रहे थे वोट दिलवाने, ये नहीं लेके जा रहे थे। मैंने जाना था लेकिन अकेले जाना था, मुझे नहीं पता था कि रोज का माइंड बन जाएगा, मेरा काफी दिनों से माइंड था, लेकिन आप मुझे नहीं लेके जा रहे थे, ये मुझे कहते नहीं जाना आपका आईडी कार्ड की जरा दिखाओ मैं उसको घुमा दूं। हुआ ये था, नहीं आईडी कार्ड घुमाने वाला मजाक था, बेसिक ये मसला था, ये दे रही थी शेर का वोट, मैंने देना था पीटीआई को वोट, एक ही गाड़ी में हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो रहे थे, लेकिन हुआ ये कि रूज ने सडन पता नहीं अपना माइंड बदल लिया, चेंज हो गया, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इन्होंने जाके जो है ना मेरे ख्याल से मुझे जहां तक लग रहा है ना पीटीआई को वोट दिया ना वो मेरी वजह से। ऐसा ही है, और इनकी वजह से अम्मी नाराज हो गई मुझसे। हाँ हमारे घर में ना तकरीबन कोई 6 लोगों ने पीटीआई को वोट दिया, हाँ और अम्मी को निकाल के ना ऑलमोस्ट सब ने पीटीआई को वोट दिया, अरूज और अम्मी हैं जो कि नवाज शरीफ को वोट देती हैं, लेकिन अरूज ने पता नहीं ये मेरे साथ प्रैंक कर रही है या मुझे मजाक कर रही है, झूठ बोल दिया, लेकिन अरूज ने जो है ना बचा के बनवाई थी, मेरे पास 6 की पर्ची आ चुकी थी, लेकिन मैंने पीटीआई की बनवाई थी दोबारा जाकर, और मेरे पास ऑलरेडी 6 की पर्ची पड़ी हुई थी। और आपने वोट किस किस को क्या क्या दिया? लैपटॉप, और दूसरी पर्ची का शायद रॉकेट आया इनको छोड़ के वोट देने की, तो उधर मुझे मिल गया एक पुलिस वाला मुझे क्या कहता है मोबाइल है, मैंने कहा जी है, कहता है आप मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है, आप ना काइंडली किसी को पुकरा दो, मैं किसको पुकराऊं, कहता है आप क्या कोई रिश्तेदार कोई दोस्त, मैंने कहा यार अकेला आया हूं कोई भी नहीं है मेरे साथ क्या करूं, तो कहता है मुझे पकड़ा दो, मैंने कहा पागल का पुत्र है 15 Pro Max मैं भी पकड़ा दूं तुझे, मैंने जैनिया ली उस पुलिस वाले को यही बोला, मैं कहा इतना मुझसे ज्यादा महंगा मेरा मोबाइल है मैं कैसे आपको पकड़ा सकता हूं, तो मैं ना किसी तरह ना उधर से निकला, शायद उसे मेरे हाथ में देख लिया था 3 कैमरे वाला मोबाइल, मैं जल्दी जल्दी निकला, मैं कहा नहीं इधर से ना 420 की स्पीड अब हमें चाहिए, इससे पहले कुछ पे कोई सीन हो जाए, मैं वो घर वापस आया जो मोबाइल चार्जिंग लगाया, फिर मैं वापस गया जाके मैंने अपना जो है वोट दिया, और वोट का तो आप सबको पता ही है मैंने किसको दिया होगा, ओनली फॉर इमरान खान, आई के सबसे पहले आपने घबराना नहीं है ऐसी बोलते हैं इमरान खान की बेहुर्मती कर रहे इनको वोट दिया मैंने, तो समझ जाओ मैंने किसको वोट दिया, आई के ओनली फॉर इमरान खान। फाइनली हम अपने जमीर के साथ मुतमिन है कि हमने वोट दिया है, और मेरी शिकायत सबसे ये है कि यार 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है हमारी पाकिस्तान में,
लेकिन वोट सिर्फ 12 लाख कैसे हो सकते हैं? आप अपनी हक की आवाज के लिए क्यों नहीं बोलते यार? चाहे इमरान खान को ना दो, मैं ये नहीं कह रहा जाके इमरान खान को दो, किसी को भी दो, लेकिन दो तो सही कम अज कम। आप अपने राइट के लिए तो बोलो, बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोलना चाहिए? अपने हक का, आपका हक क्या है यार? मेरा आप सबसे यही गुजारिश है कि यार अपना वोट जाया ना किया करो, लाजमी दिया करो, चाहे वो किसी को भी दो, नवाज शरीफ को दो, नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आप लाजमी दो, अपने हक का वोट ना छोड़ा करो, अपने लिए आवाज उठाया करो, लोगों के लिए आवाज उठाया करो, क्योंकि हमारा हक है। हम किसको लेके आ रहे हैं हमें पता होना चाहिए, क्यों लेके आ रहा है, कौन बंदा है, कैसे है, अपना वोट वेस्ट ना किया करो। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।